हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने बनाए हैं मूंग दाल मंगोड़े। आपको बहुत पसंद आएंगी ये मूंग दाल मंगोड़े। मैंने कैसे बनाए हैं आप देखिए। ये चटनी है, हरी चटनी, ये पुदीना और धनिया पत्ती की चटनी है। और ये मंगोड़े देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ना एकदम। आप इसे चाय के साथ या इवनिंग स्नैक्स में या कभी भी बना के खा सकते हैं। बहुत बढ़िया बनते हैं गाइस और बहुत अच्छे लगते हैं एकदम कुरकुरे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मैंने कैसे बनाए चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और किसके कहने पर बनाए वो भी बताएँगे लास्ट में। तो यहाँ पर ये मैंने 250 ग्राम दाल है, मूंग दाल छिलके वाली दाल है। इसको अच्छे से हमको साफ कर लेना है। अभी हम क्या करेंगे, एक बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें मैं डाल दूंगी अच्छे से। अभी हम इसमें अच्छे से इसको पानी डाल के पहले अच्छे से वॉश करना है, फिर उसके बाद में इसको भिगोना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने मॉर्निंग में इसको भिगोया था और मॉर्निंग में 2-3 घंटे के लिए ये अच्छे से फूल गई है। अभी हम इसको अच्छे से मैंने इसको धुल लिया है, जो छिलका था वो भी निकाल दिया है। अभी हम इसको एक जार में ट्रांसफ़र करके इसको पीसेंगे। तो यहाँ पर मैं जार को पूरा ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसमें पूरी मूँग दाल डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बढ़िया सा पेस्ट बना लिया। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है आपको, थोड़ा दरदरा ही पीसना है। मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। तो अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे मैंने इनको निकाल दिया है अच्छे से। अभी हमने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे ऑनियन है, हरी मिर्ची है, धनिया पत्ती है, जो हम इनमें डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और प्याज तो इसमें डलता ही डलता है, आप जितना डालो उतना कम है, क्योंकि प्याज से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। धनिया पत्ती भी इसमें बहुत होना चाहिए। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जस्ट जैसे सौंफ पाउडर। तो आप सौंफ पाउडर भी डाल सकते हो और सौंफ भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने एक चम्मच सौंफ डाला हुआ है और थोड़ा सा हाँ मिर्ची डाला हुआ है, रेड चिली, क्योंकि हमने ग्रीन भी डाली है। और यहाँ पे ब्लैक पेपर डाला है और एक काला नमक भी डाला है और सफ़ेद नमक भी, मतलब जो हम नॉर्मल यूज करते हैं वो नमक डाला है खाने में। और इनको अच्छे से मिक्स करना है गाइस। अगर आपके पास में पालक है तो आप पालक भी डाल सकते हो, उससे बहुत टेस्ट आता है। और मटर भी डाल सकते हो। अभी हम ऑयल अच्छे से ग्री फ्री हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें मंगोड़े डालेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे बड़े बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं और कढ़ाई में जितने आएंगे हम उतने डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 7-8 मंगोड़े इसमें अच्छे से आ चुके थे, तो मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन तक। हमको इनको अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करने के बाद में हम एक किचन टावल पे इनको निकाल लेंगे। तो गाइस बहुत बढ़िया लगते हैं, आप देख सकते हो एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी हम इनको एक प्लेट में निकाल देंगे और सेम हमको सारे ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे देख सकते हो आप, और मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये चटनी है, चटनी बनाई थी मैंने पुदीना धनिया पत्ती की। और यहाँ पे मूंग दाल मंगोड़े आप देख सकते हो कितने बढ़िया बने हैं ना। ये मैंने अपने बेटे के कहने पे बनाए, उसको बहुत पसंद है गाइस, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको कैसे लगे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही डिलीशियस वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। और इन्जॉय करिए मेरी वीडियो को, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।